गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली अभी छत पे आए हैं और कल हमने जो वहाँ पे बेड लगाया था उसके अंदर सिर्फ कोकोपीट डाली थी, मैंने बीज डाला नहीं था क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा था। अभी मैं दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चर ना कम हो गया अभी। तो अभी हम इसके अंदर लगाने वाले हैं पालक और धनिया, ये देखो। तो अब देखोगे ना मॉइस्चर अब कम है तो ऊपर ऊपर की सूख गया तो मेंटेन हो जाएगा। तो फाइनली अभी इसके अंदर हम बीज लगाने वाले हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि बीज आपको लगाना कैसे है पालक और धनिया का, ताकि आप अच्छा उत्पादन इसका ले सकें। और यहाँ पे भर रहा है पानी, अभी मैंने पानी को भर लिया है यहाँ पे और पानी को लेके चलते हैं। पानी हमने रख दिया और एक छोटा डब्बा ले लेंगे जिससे अंदर हम बीज डाल के फिर उसके बाद उसके अंदर डालेंगे टब के अंदर। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे बीज को डालना चाहिए। आप क्या करते हो, बीज लेते हो और ऐसे छिड़क देते हो, ऐसे कभी भी नहीं छिड़कना। आपने क्या करना है, एक छोटा सा डब्बा ले लेना। ये मेरे पास पीवीसी पाइप का ढक्कन पड़ा था तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी कोकोपीट डाल लूँगा। इस तरह से डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पालक की थैली जो हमने लगानी है इसके अंदर। तो अब इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब आप क्या करोगे, मुट्ठी से लेके डालोगे ना तो सारा सारा एक ही जगह गिर जाएगा, तो वहाँ पे गुच्छे ज़्यादा बन जाएंगे, कई जगह पे नहीं होंगे। तो कोकोपीट के अंदर डालने से ना तो आप ऐसे छिड़क सकते हो, ये देखो ऐसे इस तरह से। जब भी आपने करना है कोकोपीट या आप सोयल में कर रहे हो तो वर्मी कंपोस्ट में मिला के ऐसे छिड़क सकते हो। तो इस तरह से बस डाल देना, ये ऐसे करके। तो आप ये देख रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कम है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो। तो कोकोपीट के साथ ही डालना आपने, जहाँ पे आपको लगे कि बीज कम है वहाँ पे डालते जाओ। तो हमने बीज डाल दिया, अब इसको क्या करना है, आपने हल्के हाथों से इसको ऐसे मिक्स कर देना इस तरह से, हल्का हल्का करना है ताकि बीज थोड़ा सा नीचे चला जाए। और ये देखो ये फूस वगैरह, आप इसको साइड में कर दो। इससे आपका जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और सारे बीज आपके उगने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा भी नीचे नहीं करना, हल्का आपने करना है। कल ना ज़्यादा मॉइस्चर थी कोकोपीट, तो अगर बीज वगैरह इसके अंदर डालता ना तो वो एक ही जगह हो जाते। अब इसको डालने के बाद आप इसको हल्का हल्का हाथों से फेर दो, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने पालक का बीज इसमें लगा दिया। अब हम इसके अंदर देंगे पानी धीरे धीरे करके, तो इस तरह से आप पानी दे सकते हो। हल्का हल्का पानी देना है आपने, ज़्यादा वो नहीं करना, इस तरह से छिड़क दो बस, ताकि ऊपर की नमी बन जाए दोबारा से। तो इस तरह से आप पालक का बीज लगा सकते हो। अब आपका जितना भी पालक डाल है ना बीज, सारा का सारा उगेगा इसके अंदर, कोई भी बचेगा नहीं। इसके अंदर मैंने कल मिलाया था वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, इस तरह से आप इसको पानी दे दो बस। अब ये तैयार है।
तो ये हमारा अभी पालक का सीड यहाँ पे लग चुका है, उसी तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे धनिया का। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आ गए और एक को बीट को और वो कर रहे हैं, इसमें पानी दे रहा हूँ अच्छी तरह। और एक कोको पीट मैंने वहाँ पे बिछा दी थी और अभी मैं कर रहा हूँ दूसरा टब तैयार, जिसके अंदर सब्जी लगाने वाले हैं। यार क्या नाम था, भूल गया उसका यार। एक तो चुकंदर और गाजर, गाजर लगाएंगे। तो चलो फटाफट लगाते हैं यार, पहले इसको सेट कर लूँ इसको। अभी हमने ये वाली कोको पीट तो सुखा ली जो हमने कल भिगोई थी, अभी इसको करेंगे सेट, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिला के। फिर उसके बाद एक ये वाला बेड है जो ये वाला भी वहाँ पे लगाएंगे। तो इसके अंदर मैंने बीज वगैरह लगा दिए थे, तो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, तो मैंने ढक दिया था इनको। ये इधर पालक है और इधर धनिया लगाया मैंने, और पपीता देखोगे तो पपीता का प्लांट अभी चल रहा है, निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे निकल जाएंगे ये भी। तो फाइनली यार अभी सीडलिंग आपको दिखाऊं, सीडलिंग भी तैयार हो रही है भाई मेरी, एक नंबर की जबरदस्त हो रही है। अभी 28 तारीख को लगाए थे और आज है 1 तारीख, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो अभी ये खीरे की सीडलिंग है जो कि बाहर आ चुकी है, पेठा भी आ चुका है एक, और तोरी भी आ चुकी है हमारी एक, बाकी अभी निकल रहे हैं तोरी। ये देखो ये निकल रही है। तो यार आप खुद देख लो कितना बढ़िया रिस्पॉन्स है ना यार, इस तरह से अगर आप सीडलिंग करोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस से। आप कुछ मत मिलाओ, पर लाइट वर्मी पर लाइट हो गया या वर्मी को लाइट हो गया, कुछ भी आपने कोई पाउडर वगैरह नहीं मिलाना, ओनली कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें मिलाया था और कुछ भी नहीं मिलाया भाई इसके अंदर कुछ भी। तो आप देख सकते हो जर्मिनेशन रेट, अभी ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, देखो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, इधर भी निकल रहा होगा। तो आप देख सकते हो मैंने सारे सारे लगाए थे और बढ़िया तरीके से हो गए यार, ठीक है। तो घिया भी अभी निकल जाएगा, कल शायद निकल जाएगा घिया भी, और गोल घिया भी शायद कल निकल जाएंगे, ये करेला भी। तो इस तरह से करा करो आप यार, और बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो फाइनली अपनी ना कोकोपीट आज एक और ब्रिक ये हुई है, फूल चुकी है, और इसको मैं अच्छे से फुला रहा हूँ। जब ये फटती है ना यार बहुत मज़ा आता है इनको देखने का। तो मैं एक बार खुरपी ले आता हूँ, वो त्रिकोणी वाली, तो उससे ना इसको ना फैला देते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो ये देखो इस साइड से, इस टाइप से, तो मैंने ये सारी फैला दी। अब इसको सारी खोल दूंगा मैं, कहीं पे मान लो गिल्ला वगैरह रहेगा तो वो निकल जाएगा। तो फाइनली अभी इस पर छिड़कते हैं पानी अच्छी तरह, और हमारा जो पुदीना लगाया था पुदीना भी अभी चल रहा है। पुदीना तो एक बार तो सूखेगा और फिर चलेगा, आपको दिखाता हूँ मैं, नई लीव्स भी आ गई। ये मैंने अभी परसों रात को लगाए थे और आज देख लो ये देखो नया पत्ता निकल रहा है, ये रहा ये नया पत्ता निकला है, ये नया पत्ता निकले, ठीक है। तो ये है आज की अपडेट। तो फाइनली हमारी सीडलिंग भी तैयार हो चुकी है, अभी टमाटर की भी लगाने हैं, बैंगन भी लगाने हैं, तो कल सुबह लगाऊंगा। तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि कैसे मैं टमाटर की भी सीडलिंग कर रहा हूँ और बैंगन की भी कैसे कर रहा हूँ। तो फाइनली आज इसको भिगोते हैं और इसको वहाँ पर डालते हैं सूखने के लिए, उसके बाद फिर उसके बाद कल भरेंगे ग्रो बैग भी, और ताकि कुकुम्बर वगैरह 5-7 दिन में लगाने भी है। तो सबसे तो ग्रो बैग ना मैं पहले भर के रख दूँगा 5-6 दिन पहले ही, मान लो जो कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो धूप में वो मर जाएगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से प्लांट लगा सकते हो। जब भी आप प्लांट लगाओ ना तो पहले भर लो कोकोपीट को, भर के रख दो 5-7 दिन पहले,
उसको अच्छी तरह सूखने दो वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद, फिर आप जो रिजल्ट देखोगे ना बहुत ज़बरदस्त वाला आने वाला है भाई। तो फाइनली हमारा पालक का सीड भी लगा हुआ है। तो जब भी आप करो तो बोरी वगैरह ऐसे किसी चीज़ से ढक दो ताकि जर्मिनेशन रेट थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। तो फाइनली आज की ये अपडेट थी। और अभी आज मैं सुबह नहीं आया, अभी आया हूँ शाम को आया, थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी तो मैं दिन में ना सो गया था। तो फाइनली हमारी कोकोपीट भी रेडी हो चुकी है, ये देखो। तो चलो कोकोपीट को भिगोते हैं, वहाँ पे सूखने डालता हूँ। कल मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो आज ये छोटी सी अपडेट थी, धीरे 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 ग्रो होगा, एकदम तो नहीं आना यार कि एकदम से बीज लगाया और कल ही पौधा उग गया, हमने परसों फ्रूट ले लिया। तो टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो आप व्लॉग को देखते रहो डेली, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।